नमस्कार। हिंदी क्लासेज विद मुक्की चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 वितान भाग 2 का दूसरा पाठ जूझ से संभावित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जूझ पाठ आत्मकथात्मक उपन्यास है जो कि आनंद यादव द्वारा लिखा गया है। ये मराठी के प्रख्यात कथाकार और कवि हैं। यह एक किशोर के देखे और भोगे हुए गवई जीवन के खुरदरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का हृदयस्पर्शी चित्रण तो है ही। अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी अनूठी झांकी है। यहाँ लिए गए अंश में हर स्थिति में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विषयों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है, जो निश्चय ही आप किशोर होते हुए विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जूझ पाठ के मूल में क्या भाव है? ऑप्शन, लेखक का जूझना, पढ़ाई, खेती, नौकरी। तो इसका सही उत्तर होगा लेखक का जूझना। प्रश्न दो, आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूं कि नहीं अच्छी तरह देख, उपरोक्त कथन किसका है? ऑप्शन, लेखक आनंदा देसाई, लेखक के पिता। तो इसका सही उत्तर होगा देसाई, यानी दत्ताजी राव सरकार ने कहा था कि तेरे पिता को मेरे पास आने दे, फिर देख मैं उनकी अच्छे से खबर लेता हूँ। प्रश्न तीन, लेखक की माँ ने लेखक को कहाँ तक पढ़ाने का सोच रखा था? सातवीं, दसवीं, छठी, पांचवी। तो सही उत्तर होगा सातवीं। चौथा प्रश्न, जूझ पाठ में लेखक की पढ़ाई कहाँ तक होकर रुक गई थी? ऑप्शन सुनिए, आठवीं, पांचवीं, छठी, चौथी। तो यानी लेखक ने चौथी पास कर ली थी और पांचवी में जा चुके थे, लेकिन बाद में वो पढ़ नहीं पाए थे। पांचवा प्रश्न, कोहलू से क्या मिलता था? ईख, गुड़, तेल, फसल। तो कोहलू से गन्ने का रस निकाला जाता था और उस रस से गुड़ बनाया जाता था। तो सही उत्तर होगा गुड़। लेखक के पिता के अनुसार खेलना और सिनेमा देखना कैसी आदतें हैं? विकल्प हैं, पढ़ाई से भी अच्छी, बहुत ज़रूरी, सही या गलत। तो इसका सही उत्तर होगा गलत, यानी पिता के अनुसार खेलना और सिनेमा देखना गलत आदतें हैं। सातवां प्रश्न, किस कारण से लेखक का पाठशाला में विश्वास बढ़ने लगा? ऑप्शन है, नई किताबें, वसंत पाटिल की दोस्ती, नए कपड़े, गणित के मास्टर। तो इसका सही उत्तर होगा वसंत पाटिल की दोस्ती। प्रश्न आठ, जूझ पाठ के अनुसार लेखक के घर कोहलू कब शुरू होता था? ऑप्शन, साल के शुरुआत में, और लोगों के बाद, होली के बाद, दिवाली के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा दिवाली के बाद। अनेक मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में थे, यह कथन किसका है? मास्टर सौंदलगेकर, दत्ताजी राव, लेखक वसंत पाटिल। तो यह कथन लेखक का है और अपने मास्टर सौंदलगेकर के बारे में है। दसवां प्रश्न, जूझ पाठ में किसके आगे लेखक के पिता का कोई वश नहीं चलता था? ऑप्शन है, मंत्री, रणनवरे, सौंदलगेकर, दत्ताजी राव। तो दत्ताजी राव जो कि गांव के मुखिया थे, उनके आगे लेखक के पिता का कोई वश नहीं चलता था। अगला प्रश्न, जूझ पाठ के अनुसार लेखक किस भाषा में कविताएं करता था? अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, मराठी। तो जब लेखक मूलतः मराठी भाषा के ही हैं तो वो कविताएं भी मराठी भाषा में ही करते थे। और यह जो उपन्यास हमारे सिलेबस में दिया गया है, ये भी मूल रूप से मराठी में लिखा गया है, लेकिन उसका हिंदी अनुवाद यहाँ सिलेबस में दिया गया है। तो सही उत्तर होगा मराठी। अगला प्रश्न, जूझ पाठ के अनुसार लेखक खेतों में अकेला क्यों रहना चाहता था? कविता गाने के लिए,
पशु चराने के लिए, पानी देने के लिए या गणित पढ़ने के लिए? तो इसका सही उत्तर होगा कविता गाने के लिए, क्योंकि जब अकेला रहता था लेखक तो वो कविता को जोर से गा भी सकता था और अभिनय भी कर सकता था। अगला प्रश्न, जूझ पाठ के अनुसार लेखक क्यों पढ़ना चाहता था? कोल्हू चलाने के लिए, नौकरी के लिए, खेती के लिए, दादा के लिए? तो सही उत्तर होगा नौकरी के लिए, क्योंकि लेखक ने कहा भी है कि यदि पढ़ लिख कर नौकरी लग जाऊंगा तो चार पैसे हाथ में रहेंगे, और नौकरी नहीं भी लग पाया तो कोई व्यवसाय कर सकता हूँ। 14वां प्रश्न, जूझ पाठ के लेखक के पिता का क्या नाम था? आनंदा, मंत्री, रत्नाप्पा, देसाई? तो जूझ पाठ के लेखक यानी आनंद यादव के पिता का नाम रत्नाप्पा था। 15वां प्रश्न, जूझ पाठ के अनुसार लेखक तुकबंदी कब करता था? स्कूल में, खाने के वक्त, सोते वक्त, भैंस चराने के वक्त? तो जूझ पाठ के अनुसार लेखक जब भैंस चराने जाते थे तो वहाँ तुकबंदी किया करते थे। 16वां प्रश्न, जूझ पाठ में लेखक के पिता को उसे पढ़ाने के लिए कौन मनाता है? दत्ताजी राव, लेखक की माँ, मंत्री, वसंत पाटिल? तो उसका सही उत्तर होगा दत्ताजी राव, क्योंकि दत्ताजी राव की बात को लेखक के पिता नहीं टाल सकते थे और लेखक को पढ़ाने के लिए दत्ताजी राव ने ही लेखक के पिता पर दबाव बनाया था। अगला प्रश्न, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है? ये प्रश्न अभी बात हो ही चुकी थी कि मराठी के हैं लेखक, तो मराठी में ही लिखा हुआ है। तो इसके पर ऑप्शन देखेंगे, पहले गुजराती, अवधी, मराठी, हिंदी? तो सही उत्तर होगा मराठी। बालक आनंद यादव को शिक्षक किस नाम से बुलाया करते थे? दत्ताजी राव, आनंदा, मोहन, वसंत? चूंकि आनंद यादव नाम था लेखक का, तो उनको प्यार से उनके टीचर आनंदा बुलाया करते थे। 19वां प्रश्न देखिए, पाठशाला जाने की बात लेखक ने सर्वप्रथम किससे कही? दादा से, दत्ताजी राव से, शिक्षक से या माँ से? तो जैसा कि पाठ में आपने पढ़ा होगा कि जब माँ दोपहर में कंडे पाथ रही थी तो लेखक ने सबसे पहले अपनी माँ से पढ़ाई की बात कही थी। 20वां प्रश्न, सौंदलगेकर किस विषय के अध्यापक थे? अंग्रेजी, गणित, मराठी, संस्कृत? तो सौंदलगेकर मराठी के अध्यापक थे और उनसे ही सबसे ज़्यादा लेखक प्रभावित हुए थे। 21वां प्रश्न, लेखक की माँ के अनुसार उसका पति दिन भर किसके पास रहता है? मुन्नीबाई, रखमाबाई, लक्ष्माबाई, रानीबाई? तो पाठ के अनुसार जैसा कि लेखक की माँ ने बताया है कि वो दिन भर गांव में रखमाबाई के यहाँ रहते हैं, तो सही उत्तर होगा रखमाबाई। 22वां प्रश्न, पढ़ाई की बात सुनकर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है? शेर के समान, कुत्ते के समान, चीते के समान, जंगली सुअर के समान? तो इसका सही उत्तर होगा जंगली सुअर के समान, क्योंकि पाठ में बरहेला शब्द प्रयोग किया गया है कि वो बरहेला के समान चिल्लाएगा, और बरहेला जंगली सुअर को कहते हैं। अगला प्रश्न, दत्ताजी राव के पास लेखक के पिता तुरंत क्यों चले गए? सम्मान की बात समझकर, घबराकर, डरकर, हड़बड़ाकर? तो जैसा कि पाठ में बताया गया है कि लेखक के पिता के लिए यदि दत्ताजी राव के बाड़े से बुलावा आता था तो उसको वो सम्मान की बात समझते थे, इसलिए वो सम्मान की बात समझकर तुरंत दौड़कर चले जाते हैं। 24वां प्रश्न, शर्त के अनुसार सवेरे पाठशाला जाने से पहले लेखक को कितने बजे तक खेत में काम करना पड़ता था? 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, 11:30 बजे तक? तो शर्त के अनुसार उन्हें 11 बजे तक खेत में काम करना पड़ता था। छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे? तो शर्त के अनुसार लेखक को 1 घंटा पशु चराने होते थे। 26वां प्रश्न, लेखक के कक्षा अध्यापक का क्या नाम था? वसंत, मंत्री, रणनवरे, सौंदलगेकर? तो लेखक के जो क्लास टीचर थे कक्षा अध्यापक मंत्री नामक मास्टर थे, और वे गणित के अध्यापक थे, गणित पढ़ाया करते थे। 27वां प्रश्न, जूझ पाठ है यानी जूझ पाठ की विधा क्या है?
कहानी, जीवनी, डायरी, आत्मकथात्मक उपन्यास। तो यह आत्मकथात्मक उपन्यास है क्योंकि अपने बारे में इस उपन्यास में आनंद यादव जी ने बताया है। अगला प्रश्न, कविता के प्रति लगाव के बाद जूझ के लेखक की अकेलेपन की धारणा में क्या बदलाव आया? आशावादी एवं आत्मविश्वासी बन गया, उसे अकेलापन भी अच्छा लगने लगा, कविता सृजन में विघ्न स्वीकार्य नहीं, उपर्युक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें थी जो कविता रचने के बाद लेखक के मन में या उनके व्यवहार में, उनकी धारणा में जो बदलाव आया था। 29वां प्रश्न, जूझ पाठ के कथानायक की कौन सी चारित्रिक विशेषता नहीं है? यानी तीन विशेषताएं हैं, एक नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, काव्य प्रेमी, परिश्रमी, असंवेदनशील, जुझारू। तो तीनों विशेषताएं हैं उनकी, वो काव्य प्रेमी थे, बहुत मेहनती भी थे, इसलिए खेती का और पढ़ाई का काम भी साथ में किया उन्होंने, और जुझारू थे यानी किसी भी परिस्थिति से हारते नहीं थे, हर परिस्थिति का सामना करते थे, अनेक संघर्ष करते थे। तो असंवेदनशील इसका आंसर होगा क्योंकि ये विशेषता उनकी नहीं है। प्रश्न 30, जूझ के लेखक के जीवन संघर्ष में असंगत है, यानी संघर्ष उन्होंने कहाँ कहाँ किया, तीन जगह दिखाया जाएगा, एक इसमें गलत होगा, असंगत होगा, वही छांटना है। पाठशाला जाने के लिए संघर्ष, कक्षा में स्थान बनाने के लिए संघर्ष, आदर्श पारिवारिक परिस्थितियों के लिए संघर्ष, और माता को खुश करने के लिए संघर्ष। तो माँ को खुश करने के लिए उन्हें कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा था, इसीलिए यही इसका उत्तर होगा, यही असंगत है। 31वां प्रश्न, जूझ पाठ के आधार पर बताइए कि पढ़ाई लिखाई के संबंध में किसका रवैया सही नहीं था। जहाँ नहीं पूछा जाता है वहाँ तीन सही होते हैं, एक जो नहीं होता है वही छांटना होता है। तो लेखक का, दत्ताजी राव का, लेखक के पिता का, लेखक की माता का। तो यहाँ पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक के पिता का रवैया सही नहीं था क्योंकि वो अपने बेटे को पढ़ाना नहीं चाहते थे, उसे अनपढ़ रखना चाहते थे। 32वां प्रश्न, कभी भी अपने जैसा हार्ड मास का, क्रोध लोभ का मनुष्य ही होता है, मैं भी कविता लिख सकता हूँ, लेखक को ऐसा कब लगा? जब नवा सौंदलगेकर मास्टर से पहली बार कविता सुनी, जब स्वयं कविता रचने लगा, जब नवा सौंदलगेकर मास्टर ने कवियों के चरित्र एवं संस्मरण सुनाए, उपर्युक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। दिए गए विकल्पों में से मास्टर सौंदलगेकर की विशेषता नहीं है, फिर से नहीं पूछा है, तीन विशेषताएं हैं और एक इसमें से नहीं है, वही छांटनी है। ऑप्शन देखिए, कुशल अध्यापक, मराठी के ज्ञाता व कवि, सुरीले ढंग से स्वयं कविता गाते थे, बच्चों की पिटाई करते थे। तो यही ऑप्शन, यही विशेषता उनकी नहीं है, वे बच्चों की पिटाई नहीं करते थे। 34वां प्रश्न, लेखक की कक्षा का सबसे शरारती बच्चा कौन था? स्वयं लेखक, चौहान नाम का लड़का, वसंत पाटिल उसका छोटा भाई। तो इसका सही उत्तर होगा चौहान नाम का लड़का, क्योंकि लेखक जब पहले दिन कक्षा में गए थे तो उनका गमछा चौहान नाम के लड़के ने ही छीना था और मास्टर की नकल भी निकाली थी। 35वां प्रश्न, जूझ पाठ के लेखक आनंद को किस अध्यापक ने सर्वाधिक प्रभावित किया? नवा सौंदलगेकर जो कि मराठी के अध्यापक थे, मंत्री नामक मास्टर जो कि गणित के अध्यापक थे, रणनवरे और वसंत। तो सबसे ज़्यादा जिस अध्यापक ने लेखक को प्रभावित किया वे थे नवा सौंदलगेकर, मराठी के अध्यापक। अगला प्रश्न, आनंदा के पिता की भांति आज भी अनेक गरीब व कामगार पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, क्यों? आपकी दृष्टि में इसका क्या कारण है? ऑप्शन देखेंगे, अशिक्षित होने के कारण, बच्चों के लड़ाई झगड़े के कारण, स्कूल अच्छा नहीं होने के कारण, फीस ज़्यादा होने के कारण। तो इसका सही उत्तर होगा अशिक्षित होने के कारण, यानी शिक्षा का महत्व नहीं समझने के कारण, यही इसका सही उत्तर है। 37वां प्रश्न, आनंदा के पिता उसे क्यों नहीं पढ़ाना चाहते थे? पिता आज़ादी से रहना चाहते थे, उनको विद्यालय के अध्यापक पसंद नहीं थे, विद्यालय उनके घर से दूर था, उनके पास फीस के पैसे नहीं थे। तो सही उत्तर होगा पिताजी आज़ादी से रहना चाहते थे, यानी खुद खेतों का और घर का कोई काम नहीं करना चाहते थे, वे आनंद यादव से ही सारा काम करवाना चाहते थे, इसलिए उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते थे, पढ़ाना नहीं चाहते थे। 38वां प्रश्न, पाठशाला में पहले दिन आनंदा के साथ क्या हुआ?
दूसरे छात्रों ने उसको परेशान किया, छात्रों ने उसका भोजन ले लिया, अध्यापक ने उसको विद्यालय से बाहर भेज दिया, उसको कक्षा में नहीं बैठाया। तो सही उत्तर होगा दूसरे छात्रों ने उसको परेशान किया। अगला प्रश्न, वसंत पाटिल से आनंदा को क्या प्रेरणा मिली? ऑप्शन, उसकी तरह पढ़ाई में होशियार बनने की, कक्षा में अच्छे कपड़े पहनने की, नए दोस्त बनाने की, अपनी लिखने की रफ्तार बढ़ाने की। तो आनंद यादव से उसी की तरह पढ़ाई में होशियार बनने की प्रेरणा लेखक को मिली थी। 40वां प्रश्न, आनंदा को किस शर्त पर पढ़ाई की अनुमति मिली थी? ऑप्शन, वह पढ़ाई और खेती दोनों काम करेगा, वह गन्ने के रस का व्यापार भी साथ में करेगा, माँ के साथ घर के काम करेगा, अपनी पुस्तकें संभाल कर रखेगा। तो इसका सही उत्तर होगा, पिता ने जो शर्त रखी थी वह थी कि वह पढ़ाई और खेती का काम दोनों ही करेगा। 41वां प्रश्न, आनंदा खेतों पर अकेले रहकर समय कैसे बिताता था? कविताएं गाकर वह उन पर अभिनय कर, किताबें पढ़कर, जानवरों की सेवा कर, पक्षियों के संग खेल कर। तो इसका सही उत्तर होगा, कविताएं गाकर व उन पर अभिनय कर। 42वां प्रश्न, पाठ का नाम जूझ क्यों रखा गया है? ऑप्शंस, लेखक के जीवन संघर्ष में मेहनत के कारण, उसकी माँ की मेहनत को देखकर, पिता द्वारा काम कराने के कारण, मास्टर की मार खाई इसके कारण। तो इसका सही उत्तर होगा, लेखक के जीवन संघर्ष व मेहनत के कारण। 43वां प्रश्न, वसंत पाटिल कौन था? कक्षा का मॉनिटर, विद्यालय के प्राचार्य का बेटा, आनंदा का भाई, गांव के मुखिया का बेटा। तो इसका सही उत्तर होगा, कक्षा का मॉनिटर। 44वां प्रश्न, पाठशाला के पहले दिन के बाद आनंदा के मन में क्या विचार आया? पाठशाला से तो खेती का काम ही अच्छा है, पाठशाला का काम किसी और से करा लो, सप्ताह में एक ही दिन पाठशाला जाऊंगा, पाठशाला बंद हो जाए। तो पहले दिन जब आनंद यादव विद्यालय गए थे तो बच्चों ने उन्हें इतना परेशान किया था कि उनका मन खट्टा हो गया था और उन्होंने सोचा था कि पाठशाला से तो खेती का काम ही अच्छा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा क। 45वां प्रश्न, आनंदा के चरित्र की मुख्य विशेषता क्या है? कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारना, पिता की जगह घर संभालना, हमेशा दूसरों की सहायता करना, दोस्ती निभाना। तो इसमें सही उत्तर होगा कि कठिन परिस्थितियों में भी वे हिम्मत नहीं हारते थे, इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारना क ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, जब लिखने के लिए कागज नहीं होता था तो आनंदा क्या किया करता था? भैंस की पीठ पर लिखता था, जमीन पर लिखता था, घर की दीवार पर लिखता था, दोस्तों की कॉपी में लिखता था। तो इसका सही उत्तर होगा, भैंस की पीठ पर लिखता था। 47वां प्रश्न, आनंदा के पिता ने पाठशाला नहीं भेजने के लिए क्या तर्क दिए? उसको गलत आदत पड़ गई है, माँ की मदद नहीं करता है, पिता को बदनाम करता है, पाठशाला का सामान तोड़ता है। तो उन्होंने कहा था कि उसको कुछ गलत सलत आदतें पड़ गई हैं। तो ऑप्शन क होगा। 48वां, लेखक के मन में किस चीज की चाहत थी? बड़ा व्यापारी बनने की, पढ़ाई करने की, गणित का अध्यापक बनने की, खेती बाड़ी करने की। तो इसका सही उत्तर होगा, पढ़ाई करने की, और अनेक संघर्ष करके भी फिर उन्होंने पढ़ाई भी की, यानी अपनी चाहत को पूरा भी किया। 49वां प्रश्न, 5वीं कक्षा में दोबारा जाने पर आनंदा को कक्षा पराई सी क्यों लगती थी? ऑप्शंस, उसके साथ का कोई विद्यार्थी कक्षा में नहीं था, उसका बस्ता पुराना हो गया था, उसके मास्टर बदल चुके थे, कक्षा में उसका भाई नहीं पढ़ता था। तो इसका सही उत्तर होगा, उसके साथ का कोई भी विद्यार्थी कक्षा में नहीं था, जो उसके साथ के विद्यार्थी थे वो पढ़कर अगली कक्षा में चले गए थे और ये पिछली कक्षा के विद्यार्थी थे जिनके साथ लेखक बैठा था। अंतिम प्रश्न, आनंदा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प देखिए, जीवन में कभी हिम्मत ना हारने की, अपने पिता का सम्मान करने की, अपने माता पिता की सहायता करने की, खेतों में काम करने की। तो इसका सही उत्तर होगा, जीवन में कभी हिम्मत ना हारने की।
तो ये संभावित प्रश्न इस पाठ से थे जो मैंने बनाए थे, और मैं उम्मीद करती हूँ प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। अब एक प्रश्न आपके लिए है, उसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। इस पाठ में लेखक के द्वारा एक कविता की धुन जो मास्टर से अलग बनाई थी, लेखक ने स्वयं बनाई थी, वो कौन सी कविता थी और किस कवि की कविता थी, यानी उस कविता की पंक्ति और उस कवि का नाम जिसकी वह कविता थी। ये दोनों आपको उत्तर में लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।